नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसीज का बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है, बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए है कि अलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना वैकेंसी चार्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे आरओ एआरओ एपीएस लगातार ऐसे पदों की और यहाँ पे ग्रुप सी डी और स्टेनो का भी इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बात किया जाए तो जो वैकेंसी चार्ट आई है वो ऑफिसर कैडर जनरल कैडर में आया हुआ है, जिसमें आरओ एआरओ और एपीएस पद की बात किया गया है। स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा और साथ में ही जो ग्रुप सी डी के बच्चे हैं उनके बारे में बताऊंगा उनको क्या करना है और कब आएगा। बट अभी फिलहाल वैकेंसी चार्ट हम लोग इसका देखते हैं। एज ऑन 22/7/2024 अगर आप देखोगे किसकी तरफ से, हाई कोर्ट जनरल ऑफिस कैडर में, तो जनरल ऑफिस कैडर में ही वो पद होते हैं जो आप कहीं ना कहीं बहुत इंतजार कर रहे होते हैं। और इनमें जो दो पद हैं, एक तो छठवां नंबर और सातवां नंबर, ये पहले भी वैकेंसी चार्ट आ चुका है 2023 का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसी चार्ट आ गया तो तुरंत ही वैकेंसी आ जाए, क्योंकि 2023 के बाद 2024 का ये वैकेंसी चार्ट आया है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी कब आएगी, तो उनको मैं बता दूं, हालांकि आरओ यारो अभी एक दो महीने में तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वैकेंसी आएगी ही नहीं। वैकेंसी तो आएगी, भले लेट लपाट है, ठीक है, तो वैकेंसी कंफर्म आनी है। लेकिन अगर अलाहाबाद हाई कोर्ट की बात किया जाए तो इसकी तरफ से जो पहली वैकेंसी आ रही है वो एपीएस की आ रही है। यहीं पे बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप सी और डी की तैयारी भी कर रहे होते हैं उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उनपे वो भी पूछते रहते हैं, सर आखिर ग्रुप सी और डी में जो पद होते हैं वो कब आएंगे। तो सारी सूचना मैं दूंगा, लास्ट तक वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, बहुत कम समय में सब कुछ आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप देखोगे तो आरओ के 372 और एआरओ के आपके 100 पद, इधर आपका टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ दिया हुआ है, इधर टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है और इधर जो रिक्त पद है वैकेंसी है उसकी बात किया गया है। तो टोटल मिला लो तो आपके लगभग 472 पद किसमें, आरओ और एआरओ में खाली है। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे आरओ एआरओ उर्दू कैडर के हो गए, हिंदी कैडर के हो गए, इनके भी कुछ नाम मात्र पद हैं तो वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो कुल मिला के 475-476 पद आपके आरओ एआरओ के जो आने वाले वैकेंसीज में है वो आ सकते हैं। साथ में मैं आपको जानकारी दे दूं कि अलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ आरओ एआरओ के पद और कुछ और भी पद लगातार बात चल रही है कि नए पद सृजित करने को, और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गुहार लगाई है कि भाई हमारे पास यहाँ पे स्टाफ की कमी है, लोड बहुत, वर्कलोड बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में लगभग 900 के आसपास जो नए पद सृजित करने की बात है अगर वो भी जुड़ गया तो लगभग 1300 से 1500 के बीच में वैकेंसीज, एक बड़ी वैकेंसी आरओ एआरओ की देखी जा सकती है एससी की तरफ से, अलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी अगर 1200-1300 पद आ गए, लेकिन अभी वो 900 की मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता कि वो जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, आएगी नहीं आएगी, उसे अलाउ होगा, वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बट ये 472 पद कंफर्म है, ये इसकी वैकेंसी आनी है। कब आएगी, आने वाले 3-4 महीने में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही बात प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर में, जिसमें एपीएस के भी पद होते हैं और बच्चे इसके बहुत इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 का 92 पद रिक्त हैं और आपके एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के 88 पद रिक्त हैं। तो वैसे इनमें बहुत सारे पद ऐसे भी होते हैं जो प्रमोशन वाले होते हैं, बट जैसे एपीएस हो गया, यहां पे आपके 88 के 88 पद पे यहां पे वैकेंसीज निकलेगी। और यही नहीं, अगर आप और भी देख लो, जैसे कंप्यूटर कैडर में, इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, बस 1-3-9 पद आपके रिक्त हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी में 3 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी में 9 पद है। ऐसे अगर मिसलिनियस कैडर का देखा जाए तो मिसलिनियस कैडर में भी एपीएस का आपका 29 पद यहां पे रिक्त है, तो 29 और 88 को मिला लिया जाए तो 117 पद लगभग आपके किसमें, एपीएस कैडर में आपके रिक्त हैं। वहीं पर अगर रिव्यू ऑफिसर हिंदी और उर्दू के पद को जोड़ लिया जाए तो 9 पद आपके और जुड़ेंगे, 472 में 9 जुड़ेंगे तो 481 पद लगभग आपके किसके, आरओ एआरओ के पद रिक्त हैं। अब रही बात ग्रुप सी और डी वाले बच्चों के लिए, तो अभी इनकी कोई वैकेंसी चार्ट नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी चार्ट नहीं आया है तो वैकेंसी नहीं आएगी। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, वैकेंसी चार्ट आ जाने का ये मतलब नहीं कि तुरंत वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी चार्ट ना आने का मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये दोनों बातें अलग है। इनका इंटरनल वर्क होता है, इंटरनल सर्कुलर निकालते रहते हैं और ये अपने वैकेंसीज का कहीं ना कहीं ब्यौरा और उसका जो सूचना है वो मांगते रहते हैं। तो अभी ये तो हमें क्लियर हो गया कि पद तो रिक्त हैं और वैकेंसीज आएगी, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे। इससे पूर्व में मैंने आपको एपीएस के बारे में सारी डिटेल भी दिया था, आप उस वाले वीडियो में जाके एपीएस की सारी डिटेल यहां पे देख भी सकते हो। मैंने आपको इसी सेशन में एक आपको एपीएस करके आपको बताया था, ये वाला सेशन अगर आप देखोगे तो इसमें एससी एपीएस की तरफ से जो
वैकेंसी थी, जो आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है सब कुछ मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। लगभग 200 पद और पर्सनल सेक्रेटरी के लगभग 100 पद की बात है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एपीएस का अगर देखा जाए तो लगभग 117 ही पद है, बट ये जुड़ के लगभग 200 के आसपास ये जाएगी, ये आप समझते हुए चलो एपीएस और पीएस दोनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 200 पद के आसपास ये जा रहा है। ये मैं उसकी बात कर रहा था कि जिसमें ये बोला गया था 12/6/2024 का पिछला महीना की बात किया जाए, और इसमें ये पद जो सैंक्शन करने की बात किया गया था उसकी बात किया था। द रेस्पेक्टिव जस्टिस आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई इफ द वैकेंसी सोन ऑन द गिवन मॉड्यूल आफ्टर एनी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल वैकेंसीज अवेलेबल विद इन द जस्टिस फॉर द फिलिंग ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट Across various cadre, if any change in the vacancy figure is required, the JSSIP can update the same by mentioning the reason to simplify the process. आयोजन गाइड तो इनके बारे में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में ये आया था अभी। टोटल अगर ये बात किया जाए तो ये किसकी तरफ से था, वैकेंसी कैडर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये किसका था, ये 5,459 पर किसके लिए था, फिलिंग प्रमोशनल वैकेंसीज Eligible employees has to be completed by the JSSIP. तो ये promotional की कुछ बात किए थे। इससे पहले में आपको मैंने ये भी दिखाया था कि ये जो आपके नए जो पुराना आपका था पुराने पद का असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 234 और 708, ये लगभग टोटल 1303 पद नए पद जो सृजित करने की बात किया गया था उसकी बात करेंगे। तो वही 708 और 234 जोड़ेंगे लगभग 900 के आसपास, 940 के आसपास, ठीक है। ये नए पद आरओ एआरओ के सृजित होने थे, एक बार आप इसे देख लो कि कौन कौन से पद सृजित होने थे। कंप्यूटर असिस्टेंट के 30 पद, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 234, रिव्यू ऑफिसर के 708, सेक्शन ऑफिसर के 179, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 68, डिप्टी रजिस्ट्रार के 37, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 28, रजिस्ट्रार के 11, कुल मिला के 1303 नए पदों की इन्होंने सृजन की बात किया था। हालांकि इन्होंने अपनी गुहार सुप्रीम कोर्ट पर भी लगाया है, ठीक है, लेकिन अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और ना ही ये पता चल रहा है कि फाइनल है। जो पहला आपका वैकेंसी चार्ट था जैसे 1/7/2023 में, तो 1/7/2023 में भी आपको देखे होंगे 311 और 100 411 थे, और अब जो नया वैकेंसी चार्ट है उसमें 472 है। तो 411 से 472 लगभग 55 से 60 पदों का क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और भी बढ़े हुए हैं। ये कैसे बढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं या कुछ मृतक वाले सीन में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग क्या होते हैं प्रमोट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होते हैं, पद रिक्त होते रहते हैं। तो एक साल में लगभग 60-70 पद जो अलग से रिक्त बढ़े हैं वही आपका 472 पद टोटल हो गया है। तो भाई फिर से मैं बोलूंगा, जो बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन इसकी कोर्स भी चला रही है और आप इससे अपनी तैयारी जारी भी रख सकते हो। एक बार वैकेंसी आने पे हम नया बैच भी चलाएंगे, लेकिन तब तक पुराना बैच चल रहा है बच्चे, आप उससे जुड़ के तैयारी कर सकते हो। रही बात ग्रुप सी और डी वालों के लिए, तो ग्रुप सी और डी की भी लगातार वैकेंसी खाली है और इनके भी पद, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट हर दूसरे साल वैकेंसी देता है, 2022 में इससे पहले वैकेंसी दिया था, तो 2024 में दोबारा वैकेंसी आने का आसार लग रहा है। सबसे पहले वैकेंसी आपका एपीएस का ही आएगा, फिर आरओ आरओ, फिर आपका ग्रुप सी और डी का आएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। एपीएस में क्योंकि स्टेनो मांगता है तो आप लोग स्टेनो की तैयारी करते रहिए, स्टेनो प्रैक्टिस करते रहिए, जब भी आएगा तो आपको उसमें सहूलता मिलेगी, आपको उसमें सहूलियत मिलेगी और आप एक स्टेप आगे रहेंगे एपीएस वाले बच्चे। आरओ आरओ में टाइपिंग वगैरह रहता है, तो टाइपिंग आप मंगल फाउंड में भी चल जाता है, मंगल में अगर आप टाइपिंग सीखते रहते हो तो आपका टाइपिंग काम बन जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जानकारी रही। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।